क्या हुआ? इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं। तुमने ये केस क्यों छोड़ दिया? सारी हवा फुस हो गई। और क्या करते? वो लोग उस पे मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट का इल्जाम लगा रहे हैं। मोटरसाइकिल वाला अस्पताल में है, पता है कौन है? कौन? सतनाम मुड़की। ये सब तुम्हें किसने बताया? किरण सैंखो ने। कल सुबह आई थी वो यहाँ, कुछ फोटोज दिखाई उसने हमको, एक लड़के के जले हुए मुंह की फोटोज। गुड्डन के साथ जेल में था वो। कुछ दिन पहले हम गंदी छपरी गए थे। किरण का कहना है वहां पे मुड़की किसी आदमी ने हमारा पीछा किया होगा और ये जो अटैक है वो हमारी वजह से हुआ है। आप बताइए, आपने कहा था एक केस है, लड़ोगी? कार चुराने वाले का केस है। अब गैंगस्टर्स मारा काटी पे उतर आए हैं, जेल में अटैक हो रहे हैं, ये केस कैसे लड़े हम? ये केस वो नहीं है जो हमने लिया था। और आप कह रहे हो क्यों छोड़ दिया केस? किरण एक पुलिस वाली है, उसे अपने रिकॉर्ड में दिखाना पड़ता है कि उसने कितने केस सॉल्व किए हैं। इस वक्त उसके पास एक सस्पेक्ट है और पुलिस का काम होता है कि प्रोसिक्यूशन के लिए सबूत इकट्ठा करे। वो कर रही है। तुम वो गंदी छपरी क्यों गए थे? गुड्डन के लिए अलिबाई ढूंढने। गुड्डन ने अपने दोस्त के साथ उसी वक्त एक गाड़ी चुराई थी जिस वक्त आपकी गाड़ी चोरी हो रही थी। ये गुड्डन ने कहा तुमसे? और ये दोस्त, ये क्या नाम क्या है इसका? सिब्बू पांडे, 16-17 साल का एक लड़का। सिब्बू पांडे। और ये सिब्बू पांडे मिला तुमसे? नहीं मिला। हम मिलने गए थे लेकिन बस्ती के लोगों ने हमें पत्थर मार के भगा दिया। भैया लोग भी, सॉरी। देखो रुमा, तुम सिर्फ एक बात से मतलब रखो कि तुम्हारा क्लाइंट अकेली कोठरी में है। इसी साल 3 कैदियों ने अपनी जान लेने की कोशिश की है अकेली कोठरी में। एक तो कामयाब भी हो गया। गुड्डन को जरूरत है तुम्हारी। इस केस को मत छोड़ो, लड़ो इस केस को। मैं हूं तुम्हारे साथ।